लॉ ऑफ सप्लाई, इस साल ये क्वेश्चन आने का चांस मोर देन 90% है एग्जाम में। अब देखो ये पहले कितने बार आ चुका है, 10 में से 8 पेपर में ये किसी न किसी रूप में आएगा। कभी 2 मार्क का स्टेटमेंट ऑफ लॉ आएगा, कभी वो लोग पूछेंगे सप्लाई शेड्यूल 2 मार्क का। और इफ यू चेक आउट, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये चार, सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई पूछेंगे 4 मार्क का, कभी 8 मार्क का लॉ ऑफ सप्लाई विद एजम्पशन पूछेंगे, कभी लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन पूछेंगे, कभी सिर्फ एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई पूछेंगे, कभी सिर्फ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब कि लॉ ऑफ सप्लाई खुद कम से कम 15-20 क्वेश्चन उसमें अलग अलग रूप में आ सकते हैं। तो कभी भी कोई लॉ इकोनॉमिक्स में करना है तो तुमको इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अब डिमांड होगा तो डिमांड शेड्यूल है ना, सप्लाई कर, डिमांड होगा तो डिमांड कर, एजम्पशन और एक्सेप्शन। तो ये 6 पॉइंट लर्न करने के लिए मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये 6 कैसे सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस तुम चेंज नहीं कर पाओगे। तुम स्टेटमेंट ऑफ लॉ पहले और इंट्रोडक्शन बाद में ऐसा नहीं करोगे, यही सीक्वेंस में तुमको आंसर लिखना है। मैं तुमको ये 6 के 6 पॉइंट लर्न करने का एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे तुमको 6 के 6 पॉइंट्स याद आ जाए। नाउ सपोज इट लीज शादी का फंक्शन, एक शादी का फंक्शन रहता है, ऐसा सोचो लड़के वाले जाते हैं लड़की के पास, इंट्रोडक्शन होता है पहले, फिर डिसाइड हो जाता है कि शादी करनी है, फाइनलाइज हो जाता है। तो डिसाइड होता है शादी हिंदू लॉ के मुताबिक होगी, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3, शादी का शेड्यूल 4 दिन का होगा। मतलब कि ऐसा सोचो एक लड़का जाता है फैमिली के साथ में, वहां पे इंट्रोडक्शन होता है लड़कियों के फैमिली के साथ में, लड़की और उसके फैमिली के साथ में तय हो जाता है, फिर डिसाइड होता है हिंदू लॉ के मुताबिक होगी। फिर लोग डिसाइड करते हैं शेड्यूल 4 दिन का होगा, क्योंकि मेहंदी, संगीत, ये सब है ना फंक्शंस रहते हैं। और फिर जब शादी होती है तो लड़की के हाथ में मेहंदी लगाना का प्लान रहता है। तो बीच में नॉर्मली ऐसे तस्वीर आते हैं, लेकिन वो लड़की मॉडर्न है तो बोलती है कि मेरे हाथ के बीच में बुलेट चाहिए। फिर लड़की एज्यूम करती है कि घूमने के लिए लड़का स्विट्जरलैंड लेके जाए, लेकिन लड़का एक्सेप्शनल रहता है, वो उसको लेके जाता है श्रीलंका। 6 पॉइंट्स याद आ गए, लॉजिक समझ में आया। फर्स्ट क्या है, इसको मैं हर एक अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहला क्या बोलोगे, इंट्रोडक्शन होता है, फिर हिंदू लॉ के हिसाब से होगा, शेड्यूल 4 दिन का होगा, कर्व हाथ में जो कर्व है वो बुलेट का होगा, एजम्पशन करती है स्विट्जरलैंड लेकिन लड़का ले जाता है श्रीलंका। अब ये एग्जाम में तुमको लिखना कैसा है, तुम्हारे सामने ये वे मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखोगे। पहला इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे, जो लॉ ऑफ सप्लाई है किसने दिया, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, कब दिया, 1890, कौन सी बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, जो कि स्टेटमेंट ऑफ लॉ में बताता है। लॉ ऑफ सप्लाई में सिर्फ 2 चीजें हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, कौन से 2 वेरिएबल्स, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। अब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में क्या बोलता है, ज्यादा दाम तो ज्यादा सप्लाई, कम दाम तो कम सप्लाई, सिंपल सा। प्राइस बढ़ा तो फर्म अपना ये बढ़ा देगा, फर्म का प्राइस घटा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा। ये तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ था। अब तुमको सप्लाई शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ये तुम 4 से 5 पॉइंट में लिखोगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तुम क्या करोगे इसको हम पहले नंबरिंग के हिसाब से बोलता हूँ। नंबर 1, सप्लाई शेड्यूल क्या है, इट्स अ टेबुलर स्टेटमेंट विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन द प्राइस इज 1, क्वांटिटी सप्लाइड इज 10 kgs, व्हेन द प्राइस इज 5, क्वांटिटी सप्लाइड इज 50। दिस शोज दैट व्हेन द प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में बताएंगे, उस ग्राफिकल फॉर्म को क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व या सप्लाई ग्राफ। सप्लाई चार्ट मत बोलना, सप्लाई कर्व या सप्लाई ग्राफ। अब सप्लाई कर्व ये जो शेड्यूल है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको करीबन हम 7 पॉइंट में बनाएंगे।
नंबर वन मीनिंग सप्लाई कर्व क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। नंबर टू ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड इज गिवन। नंबर थ्री ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नंबर फोर ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया हुआ, प्राइस इज गिवन। अब देखो इसका ग्राफिकल तुम्हारे सामने हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये देखो 1 रुपी था तो 10 रुपी क्वांटिटी सप्लाइड था, यहाँ पे 2 रुपीज था तो 20, देखो 2 हुआ तो इधर 20 हुआ। अब प्राइस जैसे बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है एज्यूमिंग कि कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रहे हैं। जो गोल्ड का सेलर है उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, मार्केट रेट्स बढ़ रहे हैं, उसका तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उतना ही था, 50,000 का गोल्ड है, उसने खरीदा 45 में, 50 में बेचने वाला है, बट आज का भाव 52,000 रुपए है, उसको 5 के बजाय कितना प्रॉफिट मिलेगा, 7, तो वो सप्लाई बढ़ाने का ट्राई करेगा गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड का रेट अच्छा खासा हो गया 52 और चांदी 59 रुपीज अ के जी हो गया, करेक्ट। सो 59,000 बोला मैंने, करेक्शन 59,000 रुपीज अ के जी, ठीक है। सो ये तुम्हारा एसेस। अब कैसे बोलोगे, वापस से रिपीट, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। नंबर टू ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी सप्लाई। नंबर थ्री ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नंबर फोर ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया हुआ है, प्राइस इज गिवन। नंबर फाइव एसेस इज अ सप्लाई कर्व व्हिच गोज अपवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, ठीक है। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन, छठवा द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्ट। ओ मैडम इधर ध्यान दो, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्ट। और ये जो स्लोप है ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। 7 पॉइंट्स में जमेगा, 8वां पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। ये लोग सप्लाई कर भी 2 मार्क का पूछ सकते हैं, सप्लाई शेड्यूल भी 2 मार्क का पूछ सकते हैं। अब मुझे बताओ लॉ ऑफ सप्लाई में कौन से 2 वेरिएबल्स है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, पर डू यू ऑल्सो एग्री कि अच्छी बारिश हुई दाम वही है तो भी मैं अपना सप्लाई बढ़ा सकता हूँ, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई टूटेगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई दुकानदार का बढ़ाने का एक ही कारण बोलता है, वो क्या है, प्राइस का बढ़ना। दूसरा कारण हो सकता है तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है, मतलब क्या कर देता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, देखो ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो ये मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ प्राइस के वजह से, जो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता और घटता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी घटेगा, इसकी बात करता है। लेकिन डू यू ऑल्सो एग्री, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है, टैक्स कम ज्यादा किया, या तुम्हारे गोल्स बदल गए, या नेचुरल फैक्टर्स, मतलब प्राइस छोड़कर बाकी कोई और चीज तुम्हारे सप्लाई को असर नहीं करेगा, ऐसा एजम्पशन है। सिर्फ एक चीज तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई को असर करेगा, वो है प्राइस, बाकी सब चीजें कॉन्स्टेंट है, न्यूट्रल है, बदलने वाले नहीं है, इसलिए नो चेंज किया। तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा, पर सर नेचुरल फैक्टर्स तो बदल सकता है, वो बदलेगा, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से एजम्पशन है कि अदर फैक्टर्स विल नॉट चेंज, व्हाट विल चेंज, ओनली द प्राइस। प्राइस बढ़ा तो मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस घटा तो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा, बाकी चीजें मेरे सप्लाई को असर कर सकते हैं बट लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं करते हैं, क्योंकि एजम्पशन है कि सबको मैंने न्यूट्रल में रूम में बंद कर दिया है, मतलब नो चेंज, सिर्फ एक के लिए रूम खुला है, प्राइस, वो बाहर आएगा तो क्वालिटी में बदलाव आएगा, बाकी सबको लॉक करके रखा हुआ है, नो चेंज। समझ में आया, लेकिन इसको लर्न करने के लिए जब डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मैंने वीडियो बनाया था, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मैंने जो स्टोरी बनाया था उसके दम पर तुम ये 11 के 11 पॉइंट्स 11 सेकंड में याद करोगे। नाउ याद है मैंने बताया था स्टोरी जिससे तुमको याद रहेगा। नंबर वन, तुम मैकडोनल्ड्स में जाते हो, ठीक है, तुम बोलते हो कितने का है बर्गर, वो बोलता है जो मैकडोनल्ड्स का सर्वर या ऑर्डर टेकर बोलता है 100 रुपया प्लस गवर्नमेंट टैक्स 18 रुपया, याद है 118। तुम उसको 3 बर्गर बनाने का गोल देते, वो जाता है नेचर में आलू प्याज टमाटर लाने, वापिस आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से टेक्नोलॉजी की मदद से 7 मिनट के अंदर बर्गर बनाता है, 80 रुपया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है,
तुम खाते हो, वो तुमको बताता है कि भविष्य में दाम बढ़ने वाले हैं, तो तुम पार्सल लेते हो। तुम बोलते हो भाई पिज्जा चाहिए, मैकडोनल्ड वाला बोलता है हमारे पास अदर गुड्स नहीं है पर पिज्जा चाहिए, तो इस मैकडोनल्ड्स के बिल्डिंग के टेरेस में एक ऐसा मार्केट है जहां पे पिज्जा बिकता है। तुम जाते हो तो देखते हो वहां से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है पिज्जा। स्टोरी समझ में आई जो मैंने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के टाइम में डिटेल्ड बताई थी? वही स्टोरी याद रखने के लिए तुम प्राइस हटा दो, क्योंकि प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई या लॉ ऑफ सप्लाई बनता है। बाकी जो 2, 3 से 12 तक है मैंने उसको 1 से 11 कर दिया। मतलब पॉइंट नंबर 1 जो था, तुम मैकडॉनल्ड में जाकर पूछते हो प्राइस, वो नहीं रखा है। ऐसा सोचो प्राइस जो कि नहीं है इसमें, और दूसरा क्या है बाकी सब सेम स्टोरी। सो प्राइस हटा दो, बाकी सबको नो चेंज कर दो, तो तुमको जो डिटरमिनेंट सप्लाई में जो अभी मैंने स्टोरी बताया और उस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, तो तुमको वही स्टोरी रखना है, बस प्राइस हटा देना है, बाकी सब के सब 11 पॉइंट्स तुम्हारे और सब जगह नो चेंज कर देना, ठीक है? लेकिन जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई टूटेगा। लॉ ऑफ सप्लाई कोई भी लॉ इकोनॉमिक्स का, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमंस, और ह्यूमंस बदलते रहते हैं। एक ही घटना में दो ह्यूमन अलग अलग जाएगा। सपोजिटली तुम गाड़ी में जा रहे हो, कोई कट मार के गया, तुम्हारे जैसे जनरेशन रहेंगे तो बोलेंगे खुन्नस दे रहा है, हमारा अनुभव रहेगा तो हम लोग बोलेंगे जल्दी होगी, या एक लुक्स देंगे उससे ज्यादा नहीं, ठीक है उससे ज्यादा नहीं। तीसरा रहेगा एग्रेसिव, जाके रोकेगा और मारामारी शुरू हो जाए। सो मेनी डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं, इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई जो कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, ये हर बार सही नहीं होता। पहला, नीड फॉर कैश। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है? तुम्हारा एक दुकान है, तुम्हारे पास ऐसे सोचो कि अर्जेंट नीड फॉर कैश है। नॉर्मली दुकान तुम बेचना चाहते हो, ज्यादा दाम में तुम ज्यादा बेचोगे, लेकिन अर्जेंट है। अभी जुलाई में सब ब्रांडेड गुड्स का 50% सेल शुरू होता है, जुलाई अगस्त ये मेन महीना, अप्रैल मई में नहीं रहता है। फिर ये वापस सेल शुरू होगा दिसंबर, अभी जुलाई अगस्त तक चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर दिवाली में डिस्काउंट सेल लगभग नहीं रहेगा। लेकिन अप्रैल में ही तुमको पता है डिस्काउंट सेल नहीं है बट अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो तुम क्या करोगे? 50% डिस्काउंट करोगे ताकि गुड्स बिक जाए और पैसे आ जाए। सो नीड फॉर कैश में दाम बढ़ाने के बजाय सप्लाई तभी बढ़ेगा, लेकिन तुम प्राइस घटा रहे हो ताकि कस्टमर को सस्ते में मिले तो तुम ज्यादा बेच पाओ और तुम्हारा कैश का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, अभी तुम्हारे पास दो बस है, दो ड्राइवर, दो कंडक्टर है, ठीक है? तुम्हारा दोनों बस में 30-30 लोग बैठ सकते हैं, बट तुम्हारा खर्चा हर एक को तुम 10-10 हजार देते हो, चार जन का कितना हुआ 40 हजार, लेकिन तुम 30 से ज्यादा सीट लेते नहीं, ठीक है? दाम बढ़ा तो सीट ज्यादा लोगे, लेकिन 30-30 तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि तुमको 40 हजार रुपये का खर्चा आ रहा है और तुम महीने का 50 हजार रुपये कमा रहे हो। अब तुम क्या करते हो, एक डबल डेकर बस लेते हो। बॉम्बे में डबल डेकर बस चलते हैं, नासिक में परमिशन नहीं है। डबल डेकर बस में दो कंडक्टर और ड्राइवर एक ही ड्राइवर रहता है उसमें, तो कितना हुआ तुम्हारा 30 हजार रुपये हुआ ना खर्चा 40 हजार के बजाय। तो तुम क्या कर सकते हो, डबल डेकर में क्वांटिटी लोगों का उतना ही है बट तुम्हारा खर्चा कम हो गया, मार्जिन बढ़ा, तो हो सकता है तुम 30 से थोड़ा सा और बढ़ा दो सीट्स, तुम्हारा कमाई बढ़ेगा। तो सो बोलने का तात्पर्य यह है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि तुम ज्यादा क्वांटिटी में लिए हो, तो कॉस्ट कम हो गया, तुम उसी प्राइस में ज्यादा बेच पाओगे, ठीक है? या प्राइस घटा भी पाओगे। एग्जाम्पल, जब कैडबरी का दाम 100 रुपीज की आती थी, कैडबरीज की बॉर्नविल या टेम्पटेशन जो भी है सेल उस समय, तो उस समय का टैक्स वॉज 28%। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स 28 का 18 कर दिया, कितना हुआ 10% घट के कितना हुआ 90 रुपीज हो गया।
तुम्हारा मार्जिन उतना ही था, तुम्हारा कॉस्ट सपोजली 60 रुपए, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स 10 रुपए, तुम कमाते थे 30 रुपए। अभी कैटेगरी का दाम कम हुआ, तुमने कम नहीं किया, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, तो तुम्हारा खर्चा अभी भी 60, ठीक है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, इसकी वजह से दाम कम हुआ, तुम्हारा मार्जिन चेंज नहीं हुआ, तो सप्लाई बढ़ता है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई टूट जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो प्राइस कम हो गया बट क्वांटिटी ज्यादा बिक रहा है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस घटा तो क्वांटिटी घटना चाहिए, जबकि उल्टा हो सकता है, प्राइस घटा तो लोग ज्यादा डिमांड करें। तीसरा, ये तो बेस्ट एग्जांपल ले लो, अभी एक्सपेक्टेड है आईफोन 14 के 3 मॉडल्स या जो भी मॉडल्स रहेंगे इन सितंबर, जो उनका लॉन्चिंग, और इस साल कोई कोविड का प्रॉब्लम नहीं है तो उनका प्लान के मुताबिक ही 14 आना चाहिए, 14 14 प्रो मैक्स और जो भी मॉडल्स है आईफोन्स के। अभी सेलर को पता है कि अगस्त जुलाई अगस्त में लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे, और जो 13 लेने वाले थे वो शायद 14 के लिए वेट करें। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब सीधा हिसाब है, आईफोन 13 80,000 का है, आईफोन 14 1 लाख का नहीं होगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे लोग, 80 का 84 होगा, और जो आदमी 80,000 खर्चा कर सकता है वो 4-5 हजार जरूर डालेगा एक्स्ट्रा। अब सेलर को पता है कि भविष्य में कुछ चेंज होने वाले हैं, दाम घटने वाला, आईफोन 14 के बाद में आईफोन 13 जो 80 का था अभी तो मार्केट में तुम 59 60 में मिल जाएगा, तुम जाओगे ना 59,000 में मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड ये सब करके आराम से मिलता है तुमको, और वही 54 55 में चला जाएगा अगस्त में, 53 54 में आईफोन 13 मिल जाएगा, टुवर्ड्स अगस्त मिड के बाद, वो इंडिपेंडेंस डे सेल आता है ना, तुमको आराम से भी एक्सचेंज मिला का तो बहुत अच्छे दाम। तो सेलर सोचता है, देखो अगस्त में इंडिपेंडेंस डे सेल आएगा और भी रेट गिरेगा, आज सपोज एटलीस्ट 65 66 दाम है, तो वो 60 में भी बेचना शुरू कर दे। जो छोटे मोटे दुकान है ना जिनके पास एक हाथ दो पीस होगा, वो लोग अभी कम दाम में भी निकाल देंगे आईफोन 13, क्योंकि द मोमेंट 14 आ गया ना। और एक साइकोलॉजी है, 13 प्रो मैक्स अनडिस्प्यूटेड सुपर है, लेकिन 14 आने के बाद उसका लेने का इच्छा कम हो जाता है, लॉजिक है ना, कॉमन सेंस। तो इसलिए दुकानदार को पता है कि दाम घटने वाला है अगले महीने, तो आज ही सस्ते में निकाल दो। अच्छा, लेकिन आज वो दाम कम कर रहा है तो क्वांटिटी तो कम होना चाहिए, लेकिन वो निकाल रहा है जितना क्वांटिटी खत्म कर रहा है, उसको पता है कि फिर नहीं तो घाटा हो जाएगा, और आईफोन थोड़ी फोन वापस ले लेंगे, एक बार दुकानदार को बेच दिया तो आईफोन वाले तो बोलेंगे जो कीमत पर दिया था तेरा चॉइस, जो भी मार्जिन दिया होगा उसको 10 15 टका। अब याद रखना, ये जो मैंने इसलिए रेड कलर में भी बताया, द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंड, ये तुमको शॉर्ट नोट जस्टिफाई में भी आ सकता है या शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तुमको ये ग्राफ 100% ड्रॉ करना है, जब भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आया ये कर्व, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी सबसे पहले तो लॉ ऑफ सप्लाई का जो एक्सेप्शन है, मतलब वाई वेरिएबल में सपोजिटली प्राइस बढ़ा तो एक्स एक्सिस में क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, ये उसका लॉ ऑफ सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वक्त आएगा जहां पे उल्टा हो जाएगा कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी घट रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई टूटता है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल ये है, अभी आई थिंक तुम्हारा जनरेशन के लिए एग्जाम्पल बहुत सुटेबल है। अभी तुम क्या करते हो, तुमको जॉब मिला, यंग जनरेशन स्टार्टिंग में मेहनत भी करने के लिए तैयार रहेगा, अभी 8 आवर्स सपोजिटली मैं तुमको 300 रुपीज मिल रहा है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेबर आवर्स 8 आवर्स में 300, सपोजिटली मैं बोलूँ तुम, यदि मैं तुमको 300 के बजाय 700 दू, विल यू वर्क फॉर 12 आवर्स या 800,000 दू, बहुत सारे यंगस्टर्स मान जाएंगे जो 9 10 हजार कमाते थे, 4 घंटा एक्स्ट्रा काम किए तो ट्रिपल सैलरी हो जाएगा ना। सो 300 का 1,000 में दे रहा हूँ, सो स्टार्टिंग में 8 घंटा का तुम 12 घंटा काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा पगार 300 से कहाँ तक पहुंचा, 1,000 रुपये। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये लॉ ऑफ सप्लाई तक ये लागू है कि ये बढ़ा तो ये भी तुमने बढ़ा दिया,
इस केस में तुमको सैक्रिफाइस करना। क्या सैक्रिफाइस करना? 8 घंटे के बजाय 12 घंटा, 4 घंटा जो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम था, जो फ्री टाइम था, जिसको लीजर टाइम बोलते हैं, जिसमें तुम मे बी इंस्टाग्राम, मे बी यूट्यूब या सेल्फीज या घूमना फिरना गेमिंग सब बंद करके तुम काम कर रहे हो। डू यू एग्री? तुम लीजर टाइम को रिप्लेस कर रहे हो बाय वर्क, OW से OW1 तक तुम काम कर रहे हो और फ्री टाइम को काम में डाल रहे हो। अब मैं तुमको बोलता हूँ आई गिव यू मोर सैलरी, मैं तुमको 2000 रुपये दूंगा, बट एक ऐसा वक्त आएगा कुछ साल बाद कि तुमने अच्छा खासा कमा लिया होगा, बट नाउ यू हैव सेड कि तुमने 12 घंटा जिंदगी में 5-10 साल काम किए, तुमने खुद का घर ले लिया, कार ले लिया, नाउ यू वांट टू रिलैक्स विद योर फैमिली, तो 2000 भी दे दिया, नाउ तुम अपना काम उल्टा कम कर दे, तुम जहाँ 12 घंटा करते थे अब तुम कितना करोगे, 10 घंटा, मतलब तुम्हारा यहाँ से पगार बढ़ा, सो यहाँ पे क्या हुआ, बी टू सी उल्टा हो गया ना, लॉजिक समझ में आ रहा है? और ये इफ यू सी एट द स्टाफ एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर एनर्जी भी रहता है, हम लोग भी वी यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग 7-8, मेरा तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून में घर जाता था, ऐसे भी रात भर नोट्स जो तुम्हारे सामने बुक है, सो 8 से 1 तक सिखाने का, फिर 3 से 9 से 10 का भी बैच होता था तभी DBL, फिर 10 बजे नोट्स बैठ के पूरा रात काम करके 7 से 12-1 बजे लेक्चर करके घर, बॉडी वॉज रेडी उस समय, यंग व्हेन यू आर यंग योर बॉडी विल कोऑपरेट सपोर्ट, बट नाउ हम 7 के बाद लगभग बैच अवॉइड करते हैं या 8 o'clock के बाद अभी नहीं लेते आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है ना? तो यही है, स्टार्टिंग में व्हेन यू आर गेटिंग मोर यू विल वर्क लाइक एनीथिंग, बट एक वक्त के बाद तुमको ज्यादा भी पैसा मिला ना तो तुम उल्टा काम कम कर दोगे। अच्छा, फर्स्ट लेवल में तुमने क्या सैक्रिफाइस किया? लीजर टाइम। सेकेंड केस में तुमने क्या सैक्रिफाइस किया? वर्क। सो यू रिप्लेस्ड लीजर बाय वर्क फर्स्ट ए टू बी में, बट बी टू सी में यू रिप्लेस्ड वर्क बाय लीजर। अब तुम लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, सो दिस इज व्हाट यू डू। इसको बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं क्योंकि पहले पॉजिटिव है लेकिन बाद में नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया, ये बढ़ गया बट ये घट गया, समझ में आया? ये ग्राफ तुमको एग्जाम में ड्रॉ करना ही होगा क्योंकि इसमें पूरा मीनिंग निकलता है। आगे बढ़े, सेविंग्स, ये भी बहुत सही बात है। इफ तुम जॉब करते हो, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत लागू होता है, तुम स्टार्टिंग जॉब कुड बी 15-20-25,000 ग्रेजुएट, नॉर्मल ग्रेजुएट, तो तुम क्या करते हो, स्टार्टिंग में 5,000-5,000 रुपए सेव करते हो एवरी मंथ, साल में 12 महीने बाद कितना सेविंग हुआ था, 60,000, और 4-5 महीने सेविंग करके 80, तो तुम्हारा सैलरी बढ़ गया बट तुम्हारा जमा हुआ 80, तो तुम पूरा का पूरा 80 डंप करते हो इन iPhone 13। यंगस्टर्स जो है 24-25, तुम उनके पास कार और आईफोन जरूर देखोगे, ठीक है ना? और इफ यू सी, ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, बट आजकल का जमाना इंस्टाग्राम में दिखावा और ये सब में काफी है, तो इसलिए यंगस्टर के पास बाय द एज ऑफ 25 सेविंग्स खत्म हो जाता है, इनकम बढ़ रहा है तो सेविंग, बट जो यंगस्टर्स है वो लोग ये लेसन नहीं समझते कि, और एक और गलती कर देते हैं यंगस्टर्स, खुद का घर होना चाहिए, 24-25-26 में घर खरीद लेते हैं। द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज 20,000 में उनका EMI जाता है 9 से 10,000, उन्होंने आईफोन भी में सब डाल के उनके पास 6-7-8 आते हैं, सो ऑल देयर सेविंग्स इज गॉन जीरो, घर का खुद रहते हैं सो प्रोडक्टिव इज जीरो, ठीक है, आईफोन अनप्रोडक्टिव, कार अनप्रोडक्टिव, एंड दे रियलाइज बाय द एज ऑफ 25-28 दे हैव नाम मात्र का सेविंग या जीरो सेविंग्स, और ये सब एसेट जो कुछ सेल्फी के बाद खत्म हो जाते हैं इंपॉर्टेंस पब्लिक के लिए, बिकॉज समथिंग न्यू विल कम, तो यहाँ पे सेविंग्स का उद्देश्य खत्म हो जाता है कि एज योर इनकम राइजेस योर सेविंग शुड राइज, बट आफ्टर अ पॉइंट कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं या
गलत जगह पर डाल देते हैं मोबाइल और ये सब जगह, तो पूरा सेविंग खत्म हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रेयर गुड्स बुलेट 1978 और 80 की आई हर्ड की 2-2 लाख में बिकती है आज भी, पुराने बुलेट्स। और रोल्स रॉयस जब बनाते हैं तो 100 साल का वो लोग गारंटी देते हैं। आज भी 1920 1925 की रोल्स रॉयस जो पुराने जमाने के, वो 1 करोड़ तक में बेचे जा सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक बुलेट है, तुमने उस समय खरीदी होगी 40-50 हजार रुपए की, 80s में तो 40 भी 30-35 में आई होगी, आज तुमको 2 लाख मिल रहे हैं। तुम और सप्लाई बढ़ाना चाहते हो बट रेयर गुड्स कैसे बढ़ाओगे, तुम्हारे पास तो एक ही बुलेट है, तुमको दाम ज्यादा मिल रहा है बट तुम सप्लाई कैसे बढ़ाओगे, एंटिक पीसेस कितने, एक आधी रहता है ना। तो रेयर गुड्स RX 100 हमारे टाइम की बहुत फेमस बाइक, वो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया बिकॉज वो पोल्यूशन बहुत करती थी, बट इट वॉज अ बाइक फेवर्ड बाय हमारे जनरेशन के लोग। यदि बोला जाए कौन से खरीदने तो RX 100। उसके बाद सुजुकी शोगन आई, वो हमारे जमाने की फास्टेस्ट बाइक मानी जाती थी। RX 100 आज भी हमारे जनरेशन में किसी से भी पूछो सब जरूर बोलेंगे। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, काश मेरे पास एक टाइमलाइन स्केल होता, काश काश इज इक्वल टू कैश, मेरे पास एक टाइमलाइन का स्केल हो, ये रहा स्केल हो जिसमें मैं फ्यूचर में जा सकूं। स्केल होता ना जिंदगी का टाइमलाइन, काश मेरे पास एक स्केल हो या टाइमलाइन का स्केल हो जिसमें मैं फ्यूचर में जा सकूं, और जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा तुम अपने आयुष्य के 10 इयर्स आगे चले जाओ, बाय द एज ऑफ 25-30 व्हेन यू लुक बैकवर्ड, देखो बैकवर्ड, तो तुमको पता लगेगा कि सेविंग्स करना चाहिए और उस पैसे से दुनिया की रेयर जगह में घूमना चाहिए था। आई थिंक बैठेगा ये, काश मेरे पास एक स्केल हो जिस जो टाइमलाइन स्केल हो जिसमें मैं फ्यूचर में जा सकूं, फ्यूचर में जाने के बाद जब मैं बैकवर्ड देखूं तो फिर ख्याल में आएगा काश उस समय मैंने सेव किया होता तो मैं दुनिया के रेयर गुड्स में जा सकता था। ठीक है, सो ये तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई इन टोटालिटी था, कंप्लीट होता है यहाँ पे क्वेश्चन।